इसकी वजह यह है कि कई लोग ऐसे हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, बेरोज़गार हैं, कई लोगों को गुर्बत है, कई लड़कियां, कई लड़के बेकारी की वजह से जिनके पास पैसा नहीं है, गुर्बत की वजह से भी ये बिना शादी के रहे हैं। ख़ास करके कई लोग ऐसे भी हैं, अनपढ़ हैं, वो पैसे की वजह से भी है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिनकी जो शादियां नहीं कर सकते हैं। ख़ास करके यही तो वजह, मेन असली मकसद जो है कि बेरोज़गारी की वजह से, सब जो है बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से अनपढ़ पढ़े हुए लड़के जो हैं, बेकार हैं, लड़कियां हैं, वो शादी नहीं कर पाते हैं, ताकि उनके पास जब ज़रिया माश नहीं है, शादी कैसे करेंगे। पेरेडू के लिए अगर गवर्नमेंट से अगर ये ऐसा हो सकता है कि अगर उनको गवर्नमेंट में जॉब मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, ताकि वो आइंदा कुछ अपना आगे के लिए सफ़र तय कर सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जब भी उनके पास ज़रिया माश होगा फिर ही करेंगे। अगर उनके पास कुछ नहीं होगा तो ऐसी गुर्बत की ऐसी हालत रहेगी तो अनमेरिड रहेंगे। मेरा नाम जावेद इकबाल। इसमें यही वजह हो सकती है, या तो लोगों के पास पैसा नहीं है, या तो किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वो, तब जाके अपना वो मैरिड कर सकते हैं, ऐसे बाकी कोई वजह नहीं हो सकती। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, जम्मू एंड कश्मीर तो सबसे बैक में आ रहा है हमारा, दिन ब दिन हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो तो बैक से बैक होते जा रहा है। हमारी सरकार बोलती है हम डिजिटल इंडिया बना देंगे, अगर ऐसा हो सकता है लोगों को कोई नौकरी, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में तो कोई बात ही नहीं है नौकरी की। इस बारे में हम यही कहना चाह सकते हैं कि अगर सरकार कुछ कदम अच्छा ले लेगी तो सबका भविष्य अच्छा हो जाएगा, बाकी क्या कहना चाहिए। मेरा नाम वकार यूनिस। इनकी इसकी वजह यही है कि आज के जो लोग हैं वो सब बिजनेस के पीछे पड़े हैं, पैसों के पीछे। ये लोग यही चाहते हैं कि हम पहले पैसा बनाएंगे। बेरोज़गारी है यहाँ, जो डोडा, खास करके जो डोडा के लोग हैं यहाँ ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो यही चाहते हैं कि वो पैसा बनाएं, उसके बाद अपना कुछ आगे कर सकते हैं। क्या यही मैसेज रहेगा उनके लिए कि वो अपना आगे कुछ करें और अपने मेरिट करें और आगे शादी करें। जी, मेरा नाम सजाद हुसैन है, मैं तहसील महला से बिलोंग करता हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर का। इसमें जहाँ तक मेरा सवाल है, अब मेरी एज भी यहाँ पे लगभग 29-30 के करीब है, तो माशाल्लाह हमारे तो 4 बच्चे हैं। मैं इसका जो मसला है, गवर्नमेंट फेलियर, जहाँ पे जाए जो भी हुकूमत यहाँ पे आई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आजकल हमारे जो भी साथी हैं, मेरे जो क्लासमेट थे, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियाँ हैं उनके पास है, हमारा एक ही सवाल है उनका, हमारी जॉब लगेगी फिर शादी करेंगे। तो इसका जो फेलियर है, गवर्नमेंट फेलियर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से दहेज का भी मसला होता है। आजकल आए रोज़ माशरे में एक ऐसा सिस्टम चला है कि जहाँ देखें हम, हाँ जी दहेज क्या है, कितना सोना चाहिए, ये गाड़ी चाहिए वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज में बहुत बड़ी बुराई है, और मैं गवर्नमेंट से भी ये इल्तजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके बारे में कुछ सोचें। क्या कुछ है जी, मेरा मैसेज है यूथ के लिए कि रोज़गार देने वाला तो ऊपर वाला है, रोटी देने वाला ऊपर है, चाहे शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 29% बहुत बड़ी परसेंटेज होती है हमारे जम्मू कश्मीर में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बदकिस्मती से ये है यहाँ पे। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि नौजवानों के बारे में सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ कराएं, पोस्टें निकालें, ताकि रोज़गार नौजवान जो है रोज़गार कमाए और फिर आगे वो परिवार का भी देख लें। मेरा नाम हरीश कुमार है। इसके पीछे एक ही वजह है कि जो बेरोज़गारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो सबसे ज़्यादा है। जैसे हम देखा जाए कि 2-2.5 साल से हमारे लिए कोई भर्ती वगैरह, रैली वगैरह कोई नहीं आ रही, तो हम जैसे बच्चे जो ना, एक तो एजुकेशन सिस्टम ना हमारा सही है, जिस वजह से हम कोई चीज़ आगे कर पाएँ, कोई कोचिंग वगैरह ले पाएँ। दूसरी बात ये है कि बेरोज़गारी भी है, जिस वजह से ये इंसान को ये हो रहा है, मुश्किल हो रहा है घर चलाना, ये वगैरह, ये सोच के मुझे लगता है कि जो ये मेरिट का सिलसिला है ये जम्मू कश्मीर में। मेरा ये ख्याल रहता है कि यहाँ पर बहुत सारा ये है ना, मतलब हमारे पास स्कीम्स वगैरह पहुँचाई नहीं जाती, जो कुछ भी चीज़ आती है हमारे लिए आगे से, फंड्स वगैरह जो भी आते हैं वो दबा दिए जाते होंगे, इस वजह से हमें कुछ चीज़ का पता नहीं लगता है, तो ये वजह एक हो सकती है। यही मैसेज है कि अगर इस चीज़ को कम करना है तो सरकार को, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह देनी चाहिए, फैक्ट्रीज़ वगैरह हमारे इधर जम्मू कश्मीर में देनी चाहिए, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, या कुछ भी ऐसा कोई मसला है
अपने मेरिट का भी है खत्म। फैसल सर, वजह क्या है इसमें? ज़्यादातर वजह मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। तो हमारे J&K का वो नौजवान सोचता है कि पहले मैं कुछ करूँगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। उसको खड़ा होते होते लगभग उसकी 30 साल से ऊपर एज हो जाती है, तो यही वजह है जहाँ तक मेरा सोचना। क्या कुछ सरकार से अपील करेंगे कि उनके लिए मतलब रोज़गार की वो व्यवस्था, रोज़गार का बंदोबस्त करे, और मतलब थोड़े अच्छी अच्छी जो कॉलेजेस हैं क्वालिटी एजुकेशन वो J&K में वो इम्प्रूव करें, यही दरख्वास्त है। और गवर्नमेंट उनको जॉब देती है तो वो अपने वक्त पे मैरिज कर सकते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट की जो नई नई स्कीमें हैं, जैसे वो मैरिज असिस्टेंस जो दे रही थी गवर्नमेंट 50,000 रुपये हर लड़की को दे रही थी, गरीब लड़कियों को। और मैं बोलता हूँ कि ऐसी स्कीमें, मैं कह रहा हूँ आपको भी हमसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। आप सर्वे हर वक्त करते हो और आप हर एक छोटे मुलाजिम से भी बड़े मुलाजिम, छोटे नेता से भी बड़े नेता से भी बात करते रहते हो कि क्या मसला है। ये मेन मसला यहाँ पर यही निकल रहा है कि बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी है 2014 से जब से हुकूमत बनी है, तब से जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बना है कि ना कोई मुलाजमत, ना कोई ठेकेदारी, ना कोई बिजनेस भी डाउन, सब कुछ डाउन। उस वजह से आप खुद ही इस बात को देखो कि बेरोज़गारी है तो रिश्ता कैसे बनेंगे, शादियां कैसे हो जाएंगी। जिस घर में भी 3 बेटियां होंगी 2 बेटे होंगे, तो माँ बाप पहले बेटियों की तरफ तवज्जो देता है कि यार इनका कुछ करें, तो लड़के जब खुद कुछ कमाएंगे तो खुद कमाने में तब तक उनकी एवरेज हो जाती है। एवरेज जब चली गई फिर वो क्या करेंगे, फिर आप खुद ही देख लो। बिजनेस लोन निकालना है, काम नहीं होगा तो वहाँ पर भी उनको उसका भी भुगतान दे रहा है। जहाँ से दुकान मिलेगी वहाँ का रेंट होता है, जो 2,000 है वहाँ 5,000 होगा रेंट, उनका भी देखना है कैसे हो जाएगा। हर तरफ से ही जो है इस वक्त का यूथ जो है वो पिस रहा है, टेंशन में है, मतलब उसको एक तरफ से उसको बहुत सा वो बोझ पड़ता है। पहले पढ़ाई का होता है, पढ़ाई के बाद वो कहता है कि अब मैं कहीं शादी करूँ और किसी अच्छे माहौल में आ जाऊँ, मगर वहाँ नहीं आ सकता है वो, क्योंकि नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, काम नहीं है, धंधा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप है। उस वजह से 25% आप बोलते हो, 29%, मैं कहता हूँ ये कल 50% अबो हो जाएगा। मेरा नाम महराज खालिद भांडे। की सबसे बड़ी वजह यही है कि बेरोज़गारी है, बेकारी है, गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है नौजवानों के लिए। नौजवान इस वक्त पढ़ाई करके ट्रेनिंग करके बेकार बैठे हुए हैं, इसी वजह से उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई उनको अपने रिश्ता ही नहीं देता उनको कोई, आज तो हर घर पहले यही पूछे लड़का क्या करता है, तो सब बच्चे बेचारे बेकार हैं। मुझे मेरे हिसाब से तो 29% से ज़्यादा बगैर शादीशुदा जो है 29% से ज़्यादा आंकड़ा होगा मेरे हिसाब से। यही है गवर्नमेंट को चाहिए इन बच्चों को एंगेज करे कहीं, इनको नौकरियाँ दे दे ताकि इनका भी भविष्य बने, ये भी अपनी ज़िंदगी बसर करें।